और हमने आसमानों और जमीन को और जो मखलूकात उनमें है सबको तदबीर के साथ पैदा किया है, और कयामत तो जरूर आकर रहेगी, तो तुम उन लोगों से अच्छी तरह से दरगुजर करो। कुछ शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार ही सब कुछ पैदा करने वाला है, जानने वाला है। और हमने तुमको 7 आयतें जो नमाज में दोहरा कर पढ़ी जाती हैं, यानी सूरह अलहम्द और अजमत वाला कलाम अता फरमाया है। हमने कुफार की कई जमातों को जिनको फवायद दुनियावी से नवाजा है, तुम उनकी तरफ रगबत से आंख उठा कर न देखना और न उनके हाल पर रंजो गम करना, और मोमिनों के साथ तवाजो से पेश आना और कह दो कि मैं तो आलानिया डर सुनाने वाला हूँ, और हम इन कुफार पर उसी तरह अजाब नाजिल करेंगे जिस तरह उन लोगों पर नाजिल किया जिन्होंने तकसीम कर दिया, यानी कुरान को कुछ मानने और कुछ न मानने से टुकड़े टुकड़े कर डाला। सो तुम्हारे परवरदिगार की कसम, हम उनसे जरूर पुरसिश करेंगे उन कामों की जो वो करते रहे। बस जो हुक्म तुमको अल्लाह की तरफ से मिला है वो लोगों को बेधड़क सुना दो, और मुशरिकों का जरा ख्याल ना करो। हम तुम्हें उन लोगों के शर से बचाने के लिए काफी हैं जो तुमसे हंसी करते हैं, जो अल्लाह के साथ कोई और माबूद करार देती हैं। सो अनकरीब उनको उन बातों का अंजाम मालूम हो जाएगा, और हम जानते हैं कि उनकी बातों से तुम्हारा दिल तंग होता है, तो तुम अपने परवरदिगार की तस्बीह कहते और उसकी खूबियां बयान करते रहो और सजदा करने वालों में से हो जाओ और अपने परवरदिगार की इबादत किए जाओ यहां तक कि तुम्हारी मौत का वक्त आ जाए।